जो भाग्य में है वो कहीं भी भागकर जाएगा नहीं, वो आपको मिलेगा ही, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो पास आकर भी भाग जाएगा, हाथ आएगा नहीं। फिर चिंता किस बात की, डर किस बात का, बस अपना काम करते रहें। काम निष्काम निश्चिंत। नमस्कार, शुभकामनाएं सभी को। आज एक बहुत छोटी पर बहुत कारगर वीडियो आपको मिलने वाली है। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आपको इस वीडियो में मिलेगी, कमाल की टेक्निक जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी, हो पोनो पोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। और आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यह है संभव हो पोनो पोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख शांति अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। मैं आज कोई ज़्यादा बात ना करके सीधे सीधे एडवांस हो पोनो पोनो की एक तकनीक आपको सिखा रहा हूँ। जी हाँ, एडवांस हो पोनो पोनो की। अभी तक आपने बेसिक हो पोनो पोनो की सारी वीडियोज़ देखी होंगी, मैं सिखा रहा हूँ आपको अब एडवांस हो पोनो पोनो। ये कितनी पावरफुल है, कितनी इफेक्टिव है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। लेकिन पहले इसका अभ्यास तो कर लीजिए। कितनी बार, कितने दिन? दिन में जितनी बार कर सकें उतनी बार अच्छा होगा, कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोई भी अभ्यास कम से कम 45 से 48 दिन तो करना ही चाहिए। लाइफ टाइम करेंगे तो और बेटर है, वरना जब तक आपका अंतर्मन स्वीकार ना कर ले, मान ना ले उस बात को, तब तक कीजिए, रोज़ कीजिए, ज़रूर कीजिए। अब आप सीधे सीधे किसी सहज स्थिति में बैठ जाएं, दिल पर हाथ रखें और उसे धीरे धीरे सहलाएं, सर को थोड़ा झुका लें और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी हर चिंता के लिए, हर डर के लिए। मैं पूरी तरह जिम्मेदारी लेता हूं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हर चिंता हर डर के लिए। ये चिंता ये डर मैंने ही क्रिएट किए हैं। मेरी ये चिंता मेरा ये डर एक ऊर्जा है, मैं भी एक ऊर्जा हूँ, एक एनर्जी हूँ, इस यूनिवर्स का ही एक रूप, एक स्वरूप। मैं हमेशा इस डर और चिंता से नफरत करता रहा। मैं माफी मांगता हूँ अपनी हर चिंता से, अपने हर डर से। अपने स्वास्थ्य से संबंधित हर चिंता के लिए, हर डर के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अपने हर रिश्ते की, अपने करियर की और अपने धन संबंधी सभी चिंताओं के डर से माफी मांगता हूं। मैंने कभी अपनी चिंता को एक एनर्जी नहीं समझा, हमेशा उसे क्रिटिसाइज ही किया, अपनी चिंता या डर का ख्याल नहीं रखा। मैं माफी मांगता हूं अपनी हर चिंता, अपने हर भय से। उन्हें बेकाबू होने देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे भय, मेरी चिंता मुझे और ज़्यादा सावधान बनाते हैं, सतर्क बनाते हैं, ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा बेहतर इंसान बनाते हैं। मेरी चिंताएं और भय मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद मेरी सभी चिंताओं को, मेरे सभी डर को, ये मुझे और ज़्यादा अनुभवी बनाते हैं। मैं अपनी सेहत की सभी चिंताओं और डर को, रिश्तों की सभी चिंताओं और डर को, करियर की और धन संबंधी सभी चिंताओं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले मैं कभी नहीं कह सका
कि मैं अपनी इन सभी चिंताओं से, अपने डर से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं अपने डर और अपनी चिंताओं से भी प्यार करता हूँ। अपने स्वास्थ्य, अपने हर रिश्ते, अपने करियर और धन संबंधी सभी चिंताओं और डर से मैं प्यार करता हूँ। मैं पूरी तरह महसूस करता हूँ, स्वीकार करता हूँ इन सभी चिंताओं और डर के बावजूद मैं अपनी वर्तमान लाइफ से पूरी तरह खुश, पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ये सब मेरे ही द्वारा क्रिएटेड हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए इमोशंस हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी सभी चिंताओं को और डर को पूरे प्यार और सम्मान के साथ छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ। मेरी जिंदगी पूरी तरह सही और परफेक्ट है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैं बहुत खुश, बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अपनी चिंताओं के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने डर के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने डर और चिंताओं को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपनी चिंताओं और डर को बहुत प्यार करता हूँ। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब अपने दिल पर हाथ फेरते हुए महसूस कीजिए अपनी चिंता और अपने डर को। क्या वो सच में थोड़ी नियंत्रित लग रही हैं? क्या आप थोड़े से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? इस अभ्यास को आप प्रतिदिन जितना समय मिले, जितना अधिक कर सकें, लगातार करें। आपकी चिंताएं और डर धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी, दूर होने लगेंगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप निश्चिंत, बिना चिंता और बिना किसी डर के देखना चाहते हो। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।